हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्के दी रोटी या मक्के की रोटी। तो इस रोटी को सरसों के साग के साथ खाया जाता है, या अलग कोई भी आप साग बना ले तो इसके साथ भी आप खा सकते हैं। तो इस रोटी के लिए मैंने ये मक्के का आटा लिया है और मैंने तीन रोटी का आटा लिया है। तो तीन रोटी मैं आपको अलग अलग तरीके से बना के दिखाऊँगी। तो इसमें अभी मैंने थोड़ा स्वादानुसार नमक डाल दिया है और इसको लगाने के लिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो हाथ लगा सकते हैं, इतना ये गर्म पानी है, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम इस आटे को लगा लेते हैं। और इस आटे को लगाने के लिए आपको इसको अच्छे से मसल मसल के इसका डो हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें चिपचिपापन थोड़ा कम होता है। तो जितना आप इस आटे को गूंदेंगे उतना ये चिपचिपापन इस आटे में थोड़ा बढ़ जाता है और रोटी जो है वो हमारी अच्छी बनती है। तो इसलिए आपको आटा जो है वो अच्छे से गूंदना होगा, मसल मसल के आप इसे बनाइए। और इस अगर आपको बहुत ज़्यादा रोटी बनानी है तो बहुत ज़्यादा आटा आप एक साथ गूंद के मत रखिए। जैसे आपको रोटी बनानी है वैसे ही आप दो से तीन रोटी का आटा गूंद के फिर रोटी बनाइए, फिर से दोबारा आटा लगा के फिर रोटी बनाइए। तो एक साथ इस आटे को मत लगाइए, आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो अभी मैंने तीन रोटी का आटा बना लिया था, तो इसमें से अभी मैंने एक रोटी का आटा निकाल लिया है और उसे भी मैं अच्छे से मसल मसल के इस आटे को ले रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी इस रोटी को बनाना है, क्योंकि ये रोटी का आटा थोड़ा हम जब रोटी बनाते हैं इसको हम अच्छे से मसल मसल के अगर नहीं इसका डो बनाते हैं तो इसमें थोड़े से क्रैक आ जाते हैं, ये थोड़ी सी फट जाती है साइड से। तो पहली रोटी जो है वो मैं आपको हाथों में बना के दिखाऊंगी। तो पहले हाथों को अच्छे से पानी लगा लीजिए और इस गोले को जो है वो हाथों में आप फैला लेते हैं। और हाथों पे रोटी बनाते समय आपको हाथों में अच्छे से पानी लगाना होगा। अगर बीच में आपके हाथों का पानी निकल जाता है तो फिर से आपको हाथों में दोबारा पानी लगा के इस रोटी को फैलाना होगा, क्योंकि अगर हाथों में अगर पानी नहीं होगा तो ये रोटी जो है वो हाथों पे चिपक के ये टूट जाती है। तो इसलिए आपको हाथों में पानी लगा के इसको इस रोटी को बनाइए। तो आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में हाथों में पानी लगा के इस रोटी को बना रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी इस रोटी को बनाना होगा। तो हाथों पे रोटी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है इसको बनाने के लिए। तो जिन्हें आदत होती है वो फटाफट बनाते हैं, पर जिन्हें आदत नहीं होती है उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इस रोटी को हम बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली सी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रोटी को बना लिया है। तो बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनाई है, बड़ी वाली तो हाथों पे हम बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा सा ही बनाया है, ताकि बनाने के लिए आसानी हो। और किनारे अगर फट जाते हैं तो इसको दबा के आप थोड़ा सा इसको बंद कर लीजिए। तो देखिए ये रोटी अभी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं रखा है। तो इस तरह से हमारी हाथों पे एक रोटी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसे सेक लेते हैं। तो तवा मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था और अभी हम धीरे से दोनों हाथों से इस तरह से रोटी को रखेंगे तवे पे। तो झट से इस रोटी को मत डालिए तवे पे, वरना ये टूट सकती है। तो दोनों हाथों से आराम से इस रोटी को तवे पे रख दीजिए। और अभी गैस की फ्लेम जो है वो अभी मीडियम रखी है, तो मीडियम आँच पे हम इस रोटी को सेकने वाले हैं, क्योंकि ये रोटी जो है वो थोड़ी सी पतली सी मोटी सी होती है, तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए।
तो एक साइड हमारी अच्छे से हो चुकी है और इसे हम थोड़ा सा तवे पे सेक लेते हैं और फिर बाद में हम इसे गैस की फ्लेम पे इसे सेकेंगे। तो पंजाब में इसे चूल्हे पे बनाया जाता है, तो अभी हमारे पास तो चूल्हा नहीं होता है तो हम इस तरह से गैस पे इसे सेक लेते हैं, तो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो गैस की फ्लेम जो है वो अभी मैंने मीडियम ही रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखा है क्योंकि ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए आप इस तरह से इसे पूरी रोटी इस तरह से आपको सेकनी है। तो देखिए अभी हम हमारी ये रोटी रेडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये चूल्हे पे जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से ये रोटी हमारी देखने में लग रही है। तो ये रोटी गर्म रहते ही इस पे घी लगा दीजिए। तो एक रोटी अभी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, तो बाकी के दो रोटी भी आपको मैं बना के दिखाती हूँ अलग अलग तरीके से। तो दूसरी रोटी बनाने के लिए अभी मैंने एक आटे में से एक गोला निकाल लिया है, थोड़ा सा आटा, तो इसे भी आप थोड़ा सा पानी लगा के इसको फिर से आपको मसल के गूंदना होगा। तो हर एक रोटी के लिए आप आटा लेते हो तो इस तरह से आपको आटा गूंद के फिर उस रोटी को बनाना है क्योंकि तभी जाके आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो एक रोटी का आटा भी मैंने अच्छे से मसल के ले लिया है और अभी मैं इसे बेलन से आपको बेल के दिखाऊंगी। तो मैंने एक फॉइल पेपर इस पे लगा लिया है पट्टे पे और अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ताकि रोटी जो है वो हमारी चिपके ना आसानी से निकल आए, तो हाथों से थोड़ा सा इसको फैला दीजिए। और हम जो रोटी बेल के बनाते हैं वो फट से बन जाती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपको जितनी पतली रोटी पसंद हो उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं। और इस आटे को लगाने के लिए मैंने गेहूं का आटा इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था, ये सिर्फ मक्के का आटा है। तो इसी आटे से मैंने रोटी को बनाया है। अगर आपकी रोटी बनती ही नहीं हो, अगर आटा बहुत ज़्यादा पुराना हो मक्के का, तो इसमें आप 2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा मिला सकते हैं। थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के फिर इसको बना लीजिए। तो देखिए ये कितनी आसानी से ये रोटी हमारी बन रही है, आप देख सकते हैं। तो रोटी को उठा के आपको नहीं बेलना है। इसी तरह से मैंने अभी फॉइल पेपर लिया है या प्लास्टिक की पॉलिथीन की आप कोई भी थैली लेके आप उस पर बना सकते हैं। तो देखिए ये रोटी अभी हमारी बेल के रेडी हो चुकी है और पतली सी रोटी हमारी बनी है और बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं, बहुत ही अच्छी रोटी बनी है। तो अभी हम दूसरी रोटी भी देख लेते हैं और दोनों रोटी फिर मैं आपको एक साथ सेक के दिखाऊंगी। तो देखिए अभी ये आटा भी मैंने लेते हुए अच्छे से मसल के ले लिया है इस गोले को, और इसको भी हम थोड़ा सा हाथों से फैला लेते हैं। और अभी मैं सूखा आटा लगा के इस रोटी को आपको बना के दिखाऊंगी। तो पहले मैंने पानी लगा के आपको हाथों पे रोटी बना के दिखाया है, फिर बाद में थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर बेल के आपको दिखाया है, और अभी मैं थोड़ा सा सूखा आटा लेके फिर आपको यह हाथों से फैलाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा भी सूखा आटा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही आटा लगा के इसको आप हाथों से इस तरह से फैला दीजिए।
जैसे हम ज्वारे के और बाजरे की रोटी हम बनाते हैं, उसी तरह से आप इस रोटी को इस तरह से बना सकते हैं। और आटा अगर आपका रोटी का चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फिर इसको दोबारा इसको फैला दीजिए। और साइड के किनारे भी अगर फट जाते हैं तो इसको दबा के पूरा बंद कर लीजिए। तो ये रोटी भी हमारी फट से बन जाती है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितनी आपको पतली रोटी चाहिए उस हिसाब से आप इस रोटी को बना सकते हैं। तो ये रोटी भी हमारे बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं गोल गोल रोटी हमारी बनी है। और जहाँ जहाँ आपको मोटा लग रहा हो तो उसे पतला थोड़ा सा कर लीजिए। तो ये रोटी अभी हमारी बनी है अच्छे से, तो इसे हम सेक लेते हैं। तो फॉइल पेपर पे जो रोटी मैंने अभी बनाई थी तो उसे पहले हम सेक लेते हैं। तो आराम से दोनों हाथों से इस रोटी को उठा के इस तवे पे रख दीजिए। तो देखिए अभी इस मीडियम आंच पे ही मैंने इसे भी सेका है। तो इसे भी हम गैस के फ्लेम पे ही बाद में सेकने वाले हैं। तो मैंने तीनों रोटी जो है वो गैस के फ्लेम पे ही मैंने सेकी है, या तो आप तवे पे भी पूरा रोटी आप सेक सकते हैं। तो ये रोटी भी दूसरे साइड से हमने सेक ली है, तो अभी इसे हम भी इसे भी गैस के फ्लेम पे सेकेंगे। तो इस रोटी को आप सिर्फ सरसों के साग के साथ नहीं तो अलग अलग हम साग बनाते हैं उस साग के साथ भी आप इस रोटी को खा सकते हैं। तो इस रोटी को पंजाब में ज़्यादा खाया जाता है। और जैसे हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं उसी तरह से ये रोटी हमारी दिख रही है। तो ये रोटी भी अभी बन के रेडी हो चुकी है, तो इस पे भी हम घी लगा लेते हैं, या जो सफ़ेद मक्खन होता है उसे भी आप लगा के खा सकते हैं। तो अभी सफ़ेद मक्खन जो है वो अभी मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने इस पे घी लगा लिया है। तो ये भी अभी बन के रेडी है, तो इसे अभी हम रख देते हैं और दूसरी रोटी भी हम सेक लेते हैं। तो ये हमारी तीसरी रोटी है, तो इसे भी हम इस तरह से सेकेंगे। तो ये जो हमने सूखा आटा लगा के ये रोटी हमने बनाई थी, और गैस की फ्लेम जो है वो थोड़ी मैंने मीडियम रखी है, तो मीडियम आंच पे ही मैंने तीनों रोटी बनाई है ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर से। तो सूखा आटा लगा के भी इसको आप बड़े आसानी से इस रोटी को बना सकते हैं। तो अगर हाथों पे हमें नहीं आ रहा है बनाने के लिए तो आप बेलन से बेल के या सूखा आटा लगा के भी आप इस रोटी को अच्छे से बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप बना के देखिए, आपकी रोटी बहुत ही अच्छी आएगी। बस आटा बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इसको गर्म पानी से ही इस आटे को बनाइए, लगा लीजिए और इसको अच्छे से मसल मसल के इस डो को बनाइए, तभी जाके आपकी रोटी जो है वो अच्छे से बनेगी। ये बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये रोटी भी हमारी आधी सेक चुकी है, तो इसे अभी हम गैस के फ्लेम पे सेकने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रोटी अच्छे से फूल चुकी है, जो हमने सूखा आटा लगा के इसको बनाया था तो ये अच्छे से फूल चुकी है।
तो देखिए ये रोटी भी हमारे बन के रेडी है। कितनी अच्छी रोटी हमारी दिख रही है। तो तीनों तरह से मैंने आपको रोटी बना के दिखाया है, तो आप इस रोटी को बना के देखिए, आपको पसंद आएगी। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो इस तरह से आप रोटी बना के देखिए, आपको ज़रूर आएगी। तो ये रोटी भी अभी रेडी है, तो इसलिए मैंने इस पर मक्खन लगा लिया है, घी लगा लिया है। और इस रोटी को आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें मसाले डाल के। देखिए ये रोटी भी रेडी हो चुकी है, तो इसे बना के देखिए।